हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़। ये बेसिकली आपका क्या है कि सिम कार्ड होल्डर है, तो इसके अंदर आप अपने सिम कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि वो एक जगह रहे और टूटे ना। तो अगर आपके पास भी इस तरह से ढेर सारे सिम कार्ड्स पड़े हुए हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, आप उनको एक जगह रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का एक केस ले सकते हैं, एक होल्डर ले सकते हैं जिसके अंदर आप सिम को रख सकते हैं। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये एक छोटे से इस तरह के बॉक्स में आता है और इसके अंदर हमारा ये रहा सिम कार्ड होल्डर। पॉलीथीन को निकालते हैं। जब देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का, और जो ये केस है ये एल्यूमिनियम केस है, तो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है। और इसको जब ओपन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि दो सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ फर्स्ट सेक्शन में जो आपका फुल साइज चार सिम कार्ड रखने के लिए और दो माइक्रो सिम कार्ड, इसके अलावा आप एक सिम एग्जेक्टर भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे सेक्शन में आपके पास चार माइक्रो सिम कार्ड और चार फुल सिम कार्ड रखने के ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसमें सिम कार्ड रखेंगे। तो ये पैडिंग है वो बहुत सॉफ्ट पैडिंग दी गई है, जिससे कि इसके अंदर बहुत आसानी से और बहुत टाइट फिट है, इस तरीके से आपको गिरेगा नहीं है। अगर आपको अचानक से इस तरीके से खोलते हैं और खुल भी जाता है तो इतने आसानी से ये गिरने वाला नहीं है, और ये बहुत टाइट फिट इसमें बैठ गया। यहाँ पे एक कट दिया हुआ जिससे आपको पता लग रहा है कि किसको किस सेक्शन में किस डायरेक्शन में रखना है। इस तरीके से इसको यहाँ रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे माइक्रो सिम कार्ड या फिर फुल साइज़ सिम कार्ड रखने के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंदर नैनो सिम कार्ड रखने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरीके से नैनो सिम कार्ड है, जैसे कि ये हमारा नैनो सिम कार्ड है, तो अगर नैनो सिम कार्ड रखना है तो आपको किसी ना किसी अडाप्टर में लगा के रखना होगा, क्योंकि ये नैनो सिम कार्ड इसके अंदर पूरी तरीके से बैठता नहीं है, तो ये लूज़ ही रहेगा हमेशा। तो अगर इस तरीके से बंद है और आप अचानक से कहीं खोलते हैं तो इसको गिर सकता है ये। तो अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन खोलते वक्त आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ये इस तरीके का अडाप्टर है फुल साइज़ या माइक्रो साइज़ का, तो आप इसको अडाप्टर में लगा करके यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। और बाकी के सिम कार्ड्स हम इस तरीके से इसमें, सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं, अगर आपके पास इस तरीके से बाकी के अडाप्टर्स भी पड़े हुए हैं, और ये जैसे कि आजकल आपको पता होगा सारे सिम कार्ड माइक्रो सिम कार्ड ही आ रहे हैं, माइक्रो या नैनो आ रहे हैं, तो फुल साइज़ सिम कार्ड का समय ख़त्म हो गया। लेकिन कभी कभी अगर पुराने फ़ोन में आपको अपना सिम डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने भी शायद अपने फुल साइज़ सिम कार्ड को कटवाया होगा, या फिर आप जब सिम कार्ड नया लेते हैं तो ऑलरेडी वो कटा कटाया आता है, तो आप बीच में से माइक्रो सिम कार्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप इसको सेफ़ रखिए, इससे क्या होता है कभी भी अगर आपको किसी छोटे सिम कार्ड छोटे फ़ोन मतलब किसी बजट फ़ोन में आपको डालना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा चांसेस होंगे कि उसके अंदर फुल साइज़ सिम कार्ड ही लगते हैं। तो आप इस तरीके से अडाप्टर्स को भी इसमें सेफ़ रख सकते हैं। आप अपने सारे अडाप्टर्स को इसमें इस तरीके से रख के कैरी भी कर सकते हैं, और एक सिम एजेक्टर टूल आप इसके अंदर परमानेंट फिक्स करके रख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद ये एक निकल के आया। ऐसे जनरली आपका नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ढेर सारे सिम कार्ड्स रखने हैं या फिर इस तरीके से अडाप्टर्स आपको मैनेज करने हैं रखने हैं, अडाप्टर्स जल्दी टूट जाते हैं, तो उनको रखने के लिए बहुत ही परफेक्ट टूल है। आप इसको कैरी कर सकते हैं, अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टूल पसंद आया होगा, ये आपको होल्डर सिम कार्ड होल्डर आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।